बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज एजुकेशन सेंटर में आपको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 19.1 क्लास 10 न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो मैंने आपको करवा दिया है। इसके पार्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी, जिसके पार्ट है हमारे पास 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ये इसे हम देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है ए प्लस सी, ठीक है। और इसकी वैल्यूज दी हुई है, ए का हमें सेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, ई का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस सी करने के लिए हमें कह रहे हैं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस सी, ठीक है। ए की जो वैल्यू है क्या दी हुई है हमें, ए का सेट दिया हुआ है 1 -1 0 1, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, दोबारा हम अगेन लिख देंगे। सी का सेट कर दिया हुआ है 2 और 3 -1 2, ठीक है। अभी देखिए 1 + 2 कराएंगे हम, ए प्लस सी करना है ना हमें, तो इसके ऑर्डर देखिए, इन ऑर्डर को हम प्लस माइनस करा देंगे, ठीक है। 1 + 2 और ये हो जाएगा -1, प्लस आएगा बीच में, और 3 ये हो जाएगा 0 + -1 ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ साइड में कर देती हूँ मैं आपके लिए सॉल्व इसको। 2 + 1 हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए तो बचेगा 2, प्लस माइनस माइनस 0 में कुछ भी प्लस या माइनस होता है तो आपको पता है कि आ जाती है अगेन वही वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3। तो ये था इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 की तरफ मूव होता है। अच्छा, यहाँ पर माइनस आएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। ए का सेट लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे ए का सेट, ए प्लस ई करने के लिए कह रहे हैं हमें। तो सबसे पहले हम ए का सेट लिख लेंगे, हमारे पास ये 1 -1 0 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन डाल के ई का सेट जो हमें दिया हुआ है वो ये है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। 1 -1 -1 0 2 और 2 1 0, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसके ऑर्डर पेयर जो है यहाँ पे फर्स्ट रॉ यानी कि, और 2 रॉ हैं यहाँ पे और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, 3 रॉज हैं हमारे पास और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। ना तो मल्टीप्लिकेशन होगी, ना एडिशन होगा, ना सब्ट्रैक्शन होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है हमारे पास b - d, ठीक है। अब मैं ज़रा बुक में से आपको वैल्यूज दिखा दूँगी, क्योंकि वो टर्न हो गया पेज इसलिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए b - d है, b - d करेंगे। b की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है b की वैल्यू, 2 -1 1 0, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे। d की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 1 2 1 2 3 1 2 3, अगेन फिर से 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन मैंने जैसे आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि देखिए यहाँ पे 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं ना, यहाँ पे 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे पास, मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास 2b + 3a, ठीक है, 2b + 3a। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले 2b करते हैं। 2b करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b का सेट है हमारे पास 2 -1 1 और 0, ये हमारे पास b का सेट है, ठीक है। तो अब हम देखिए इस 2 को हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2 2 से हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 1 सा -2, 2 1 सा 2 और 2 0 सा 0, ठीक है। ये हमारे पास 2 भी निकल के आ गया। अब हम 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3a के लिए भी हम रखेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे a का सेट जो है वो लिख देंगे 1 -1 1 -1, और क्या है हमारे पास 1 -1 0 और 1 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 था यहाँ पे ना, 3a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 3 1 सा 3 और 3 1 सा -3 3 0 सा 0 3 1 सा 3। अब इन दोनों के जो ये वाला सेट और ये वाला है ना, इसको यहाँ पे हम प्लस करा देते हैं साइड में, ठीक है। 2a 2b + 3a, ठीक है, इज इक्वल, इन दोनों को लिखेंगे हम, हमारे पास आया 4 -2 2 और 0, ठीक है। प्लस का साइन लगा के
उसको प्लस कर देंगे, 3 माइनस 3 और 0 और 3 से, ठीक है। देखिए 4 2 2b प्लस का 3a, 4 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ऑफ़ कोर्सली हो जाएगा 7, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस में हम 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अच्छा 2 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास अगेन 2, 3 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास अगेन से 3। ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि हमारे पास है बी माइनस सी, ठीक है। हमारे पास है बी माइनस सी, तो बी का सेट लिख देते हैं सबसे पहले हम। बी का वैल्यू, बी का सेट है 2 माइनस 1 1 और 0, ठीक है। और माइनस का साइन लगे, सी का सेट है हमारे पास 2 3 माइनस 1 2। अभी देखिए 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम, ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करते हैं चलें सब्ट्रैक्शन, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, ठीक है। और ये यहाँ पर माइनस का 1 है, ये वाला माइनस का 3, ठीक है। 1 माइनस और ये माइनस का 1 था तो ब्रैकेट में। अभी देखिए 0 माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा बी माइनस सी, 2 माइनस 2 0, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, और ये 0 माइनस 2 2। ये था हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 6 की जाने जो है ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए का सेट लिख देते हैं, ए का सेट जो हमारे पास था वो है 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ए के ही सेट से, जो है हमारे पास 1 माइनस 1 0 और 1। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कराते हैं, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड रो से कराते हैं, सेकंड कॉलम से कराते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम से होगी, कैसे होगी देख लेते हैं। 1 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस 1 0 ज़ा 0, ठीक है। अच्छा अभी देखिए 1 1 ज़ा कराते हैं हम तो माइनस का 1, फिर आज अगेन आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। फिर हम कराते हैं इसको 0 1 ज़ा 0, फिर 0 0 ज़ा 0। अच्छा 1 इसको कराते हैं माइनस का 1 1 से कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 ज़ा 0, और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, और फिर 1 1 ज़ा 1। अब इसे हम आपस में प्लस करा लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 प्लस 1 1, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे 0 प्लस 0 0, और यहाँ पे 0 प्लस 1 1, तो ये आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं पार्ट 7 की जाने, जो है हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बी स्क्वायर हमारे पास, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब होता है, आपको मैंने अगेन बताया ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब है बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। बी का सेट है हमारे पास 2 माइनस 1 1 0, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने ही सेट से 2 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपको मैंने अभी बताया क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं और फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसे, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा हमारे पास 4, और 2 1 ज़ा हो जाएगा हमारे पास, इसको इससे करा रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये मैंने आपको एरो लगा के बता दिया, और 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, अब देखिए 2 1 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 1 0 ज़ा 0, ठीक है। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से कराएंगे, ठीक है। तो 1 2 ज़ा हो जाएगा 2, और ये 0 1 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 और 0 0 ज़ा प्लस का 0। अभी देखिए बी स्क्वायर का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 0 2। ये था इसका आंसर। अभी हमारे पास डी प्लस ई, ठीक है। डी प्लस ई करने के लिए हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो लिख देंगे, सबसे पहले डी प्लस ई लिखा हमने, अब हम डी की वैल्यू लिख देंगे जो है हमारे पास ये रही बुक में दी हुई है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्लस का साइन लगा के ई की वैल्यूज लिख देंगे 1 2 माइनस 1 माइनस 1 0 2 2 1 0, ठीक है।
अभी देखिए एडिशन हो रहा है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई में हम कॉलम और रॉस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन प्लस, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन, यहाँ पे बीच में आ जाएगा टू प्लस टू, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री, ठीक है। वन प्लस माइनस माइनस, वन माइनस वन, टू प्लस ज़ीरो और थ्री प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टू, टू प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे डी प्लस ई का जो आंसर आएगा हमारा, डी प्लस ई का वो होगा वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, ठीक है। वन माइनस वन ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री प्लस टू फाइव, ठीक है। वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर फोर। ये क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट वन है, पार्ट थ्री है, और अभी टर्न कर लेते हैं इसको, आगे देख लीजिए। आगे हमारे पास ये रहा पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, और ये है हमारे पास पार्ट सेवन और पार्ट एट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। क्वेश्चन नंबर फाइव के साथ, सिक्स के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।